तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद करता बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू मिनिक्स पार्टी। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं पबजी मोबाइल लाइट से रिलेटेड एक और न्यू इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लेके। और भाई लोग, इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड हिल के टॉप 10 सीक्रेट ग्लिच एंड ट्रिक्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले फ्रेंड्स। तो प्लीज़ यार, आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, काफ़ी पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आज आप चैनल पर पहली बार हो, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर कर देना, ताकि पबजी लाइट से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने थर्ड हिल में ये वाला ब्लू हाउस तो देखा ही होगा। अब कई बार क्या होता है कि दोस्तों, कि इस घर के छत पे यहाँ सीढ़ियों के पास बंदे बहुत ही खतरनाक तरीके से कैंप कर रहे होते हैं, और जैसे ही सामने से आप आते हैं तो आप पर अंधाधुंध फायरिंग करके आपकी पेटी बना देते हैं। तो ऐसे कैंपर को कैसे बचाना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ठीक बगल में जो ग्रीन हाउस है इसके छत पे आ जाना है, और इस तरीके से इस ग्रीन हाउस के ऊपर टॉप पे आ जाना है, बिल्कुल यहाँ पे, और फिर आपको सामने ब्लू हाउस पे जंप कर देना है, और आप काफ़ी इजीली ब्लू हाउस के छत पे आ जाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे कोने कोने में छुपे हुए कैंपर को काफ़ी इजीली सरप्राइज अटैक देकर उनकी पेटी बना सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ट्रिक नंबर 1, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, आपने थर्ड हिल में ये वाला रेड हाउस तो देखा ही होगा, जहाँ सीढ़ियों पर बंदे कैंप कर रहे होते हैं, तो कुछ पीछे वाले रूम में कैंप कर रहे होते हैं। तो ऐसे कैंपर को बजाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ठीक पीछे वाले घर पे आना है, और उसके छत पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ से काफी अच्छा एंगल मिल जाएगा, और आप चाहो तो यहाँ पे बाउंड्री पर से दौड़ते हुए आप सामने खिड़की पे जंप लगाओगे, तो आप डायरेक्ट रेड हाउस के सेकंड फ्लोर पे आ जाओगे, और यहाँ भी आप कोने कोने में छुपे हर कैंपर को काफी इजीली बजा सकते हो। दोस्तों, आपने थर्ड हिल में ये वाला बर्न हाउस तो देखा ही होगा। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, कि आप पूरे स्क्वाड के साथ उतरते हो, आपके स्क्वाड के सारे मेंबर मर जाते हैं, और ऐसे में कुछ बंदे क्या करते हैं, इस बर्न हाउस के अंदर चले जाते हैं और ऊपर जाके अकेले कैंप करने लगते हैं, और जब पूरे स्क्वाड आप पे रश कर देती है, तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आता कि अब आगे करें क्या। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ठीक यहाँ पीछे में आना है, और यहाँ पे इस बॉक्स के पास आपको इस तरह से बैठ जाना है। उसके बाद आपको अपना बैकपैक ओपन करना है, एस्केप का यूज का बटन दबाना, और बूम बाम का हिसाब सीधा बर्न हाउस के छत पे आ जाओगे। और भाई, जो स्क्वाड आप पर रश करने के लिए अंदर घुसेगी ना बर्न हाउस में, भाई सेकंड फ्लोर पे आने के बाद उनको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आखिर बंदा अंदर से कहाँ गायब हो गया, और पूरी स्क्वाड इधर उधर आपको ढूंढती रह जाएगी, लेकिन आपको ढूंढ नहीं पाएगी। तो कभी आप थर्ड हिल में अकेले बचो तो ये वाला ट्रिक जरूर करना, आपको बहुत मजा आएगा। अब दोस्तों, आपने थर्ड हिल में ये वाला हाउस तो देखा ही होगा, जिसकी छपरी ऑरेंज कलर की है। अब कुछ बंदे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ सीढ़ियों पर जबरदस्त कैंपिंग करने लगते हैं, और ऐसे में सामने से कोई भी बंदा आएगा तो उसकी पेटी तो बन ही जाएगी। तो इनको मारने के लिए आपको क्या करना, आपको ठीक है बगल वाले रेड हाउस में चले जाना, और यहाँ से आप देख सकते हो तो काफी अच्छा एंगल मिल जाता है, यहाँ से भी आप उन बंदों को बजा सकते हो, और नहीं तो आपको क्या करना, आपको डायरेक्ट छत पे जाना है, और इस तरह से घूमते हुए आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पीछे वाले रास्ते से, मतलब कि पीछे वाले दरवाजे से आपको एकदम से धप्पा कर देना, एकदम से सरप्राइज अटैक। भाई बंदे समझ नहीं पाएंगे, और काफी आप एक दो बंदों को तो लुढ़का ही डालोगे। तो कभी भी आपको इस वाले घर में कैंपिंग करते हुए कुछ बंदे दिखे, तो आप इस तरह से सरप्राइज अटैक देने की कोशिश जरूर करना, ये बहुत ही ओपी ट्रिक है गाइस। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि थर्ड हिल के इस वाले जगह पे लास्ट जोन बन जाता है, यहाँ पे इंड सर्कल में सरवाइव करने के आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ छत पे आना है दौड़ते हुए, और बिल्कुल इस पेड़ के पास आना है, और ये जो छत की बाउंड्री है ना, इसके ऊपर चढ़ जाना है, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे खड़े होना है, और सामने की ओर आपको जंप लगा देना है। जैसे पेड़ के नजदीक जाओ, थोड़ा सा डबल जंप लगाओ, और इसके साथ ही आप पेड़ के अंदर घुस जाओगे, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, आप काफी इजीली इंड जोन तक यहाँ सर्वाइव कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जितने भी आपको बंदे दिखेंगे आप उनको ऊपर से मार भी सकते हो, कोई भी बंदा आपको ढूंढ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आपने थर्ड हिल में ऊपर साइड ये ब्लू हाउस तो देखा ही होगा, जहाँ पे अक्सर बंदे यहाँ गेट के पास बैठ के काफी खतरनाक तरीके से कैंप करते आपको दिखे जाते हैं। और भाई, ऐसे कैंपर को मारना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपके पास नेट और मोटरलॉक नहीं हो। तो ऐसे में आपको इन बंदों को कैसे बजाना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। वो गेट वाला रास्ता नहीं आपको अपनाना, मैं आपको दूसरा लेजेंड तरीका बताऊंगा। आपको क्या करना दोस्तों, आपको चुपचाप सेकंड फ्लोर पे आ जाना है, और सामने जो आपको ये सोफा दिख रहा है, आपको ठीक इसके टॉप पे चले जा रहा है, बिल्कुल इस तरह से आपको खड़े हो जा रहा है, और सामने मुंह आपको लकड़ी की तरफ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, सिंपल सा अपना बैकपैक ओपन करना है, स्केट का यूज का बटन दबाना है, और बूम बाम गाइस, आप काफी इजीली ब्लू हाउस के थर्ड फ्लोर पे आ जाओगे, यानी कि छत पे आ जाओगे। उसके बाद यहाँ से आप यहाँ सीढ़ी वाले कैंपर को काफी इजीली बजा सकते हो। दोस्तों, आपने थर्ड हिल में ये ट्रिपल स्टोरी तो देखी होगी। अब कुछ बंदे क्या होते हैं, यहाँ ट्रिपल स्टोरी के थर्ड फ्लोर पे यहाँ सीढ़ियों के पास बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टोर के लेके कैंप कर रहे होते हैं, और जैसे ही सामने से बंदा आता है उसको पेल देते हैं,
तो ऐसे स्ट्रोक के प्लेयर कैपर को कैसे मारना है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ठीक ट्रिपल स्टोरी के सेकंड फ्लोर पे आना है यहाँ पे। उसके बाद सामने आपको ये जो लोहे की रेलिंग दिख रही है आपको बिल्कुल इसके ऊपर खड़े हो जाना है और थोड़ा सा पीछे आना है। उसके बाद आपको सामने ऊपर की ओर जंप लगा देना है, इस छपरे के ऊपर आ जाओगे। उसके बाद आपको बिल्कुल इस तरीके से नीचे वाले छपरे पे आना है और यहाँ से खिड़कियों के जरिए आप ट्रिपल स्टोरी के थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाओगे और यहाँ सीढ़ियों के पास कैंप कर रहे बंदे को काफी इजीली सरप्राइज अटैक देके उनकी पेटी बना सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह ट्रिक ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ढेर सारे बंदे ट्रिपल स्टोरी में आपके ऊपर रस कर देते, तो ऐसे में आपको कैसे अपने आप को बचाना है ताकि वो आपको ना मार सके और आपका ज्यादा रैंक माइनस ना हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ट्रिपल स्टोरी के सीधा उसके बाद यहाँ खिड़कियों से बाहर जंप लगा देना है बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पे आके बिल्कुल इस तरीके से छिप जा रहा है। भाई ये बहुत ही सीक्रेट लोकेशन है दोस्तों, पूरी स्क्वाड आपको ऊपर से नीचे पूरे बिल्डिंग में आपको ढूंढती रहेगी लेकिन आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, वो आपको ढूंढ नहीं पाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक काफी पसंद आया होगा ना तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपने थर्ड रेल के बाहर इस साइड ये वाला जो ब्रिज आपने देखा ही होगा कई बार, जिसमें कुछ बंदे इस ब्रिज में ग्लिच करके ब्रिज के अंदर से ही बाहर के बंदे को मार देते हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि मैंने वो ग्लिच कर भी रखा है। और यहाँ से दोस्तों काफी अच्छा आपको एक कवर भी मिल जाएगा और बाहर के बंदों को काफी अच्छे से आप मार भी पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको ठीक जो है ब्रिज के नीचे आना है बिल्कुल इस वाली साइड में, ठीक है ध्यान से देखो इसके नीचे आना है। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत लोग प्रोन नहीं हो पाते, बिल्कुल इस तरह से आप कोशिश करोगे तो प्रोन हो जाओगे। उसके बाद आपको जो है ऊपर की ओर आना है, अपना हेड जो है ब्रिज के छत से टकराना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा अपना बैकपैक ओपन करना है, स्केट का यूज का बटन दबाना है और बूम बाम गाइस आप काफ़ी ईजिली यह ब्रिज वाला ग्लिच कर लोगे। और उसके बाद एडवांटेज वो तो आपको भर भर के मिलेगा दोस्तों, खासकर इंड जोन में आपको ये बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। अब दोस्तों आपने पूरे भरेंगा मैप के अंडरग्राउंड जाने वाला ग्लिच तो आपने सुना ही होगा, दोस्तों ये वाला ग्लिच भी जो है थर्ड रेल के पास ही वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं पूरे भरेंगा मैप के अंदर में हूँ और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस पत्थर पे बैठ के आप काफ़ी इजीली बाहर के बंदों को मार भी सकते हो। और अगर कभी यहाँ पे लास्ट जोन बनता है तो भाई चिकन डिनर तो आपको ही मिलेगा, ये तो भाई कन्फर्म है अगर आपने यह ग्लिच कर लिया तो। तो यह ग्लिच करते कैसे चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और ये जो आपको पटरा दिख रहा है ना, आपको इस काठ के पटरे में ये जो ढेर सारी लाइन दिख रही है आपको, ठीक है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच में जो ये लाइन जुटती है ना बिल्कुल यहीं पे बीच में आपको इस तरह से खड़े होना है। उसके बाद आपको सिंपल सा जंप प्लस पंच का बटन एक साथ दबाना है और काफी इजीली आप जो है जमीन के अंदर चले जाओगे। उसके बाद दोस्तों आपको तैरते हुए यहाँ पत्थर के पास आना है। और यहाँ से बाहर के बंदों को आप काफी इजीली मार सकते हो इस तरह से दोस्तों। अगर आपने ये वाला ग्लिच कर लिया तो इंड जोन अगर यहाँ पे बनता है तो काफी इजीली आप सर्वाइव भी कर सकते हो इंड जोन में और बाहर के बंदों को भी मारकर काफी आसानी से चिकन डिनर भी ले सकते हो। और यहाँ से निकलना बहुत ही आसान है दोस्तों, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप यहाँ से काफी इजीली बाहर भी निकल जाओगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह ग्लिच ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों साथ ही मुझे ये भी बताना कि टॉप 1 से लेकर टॉप 10 के बीच आपको कौन सा ग्लिच या कौन सा ट्रिक आपको ज़्यादा बढ़िया लगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों अगली किसी और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू गाइज़।